देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए अब रुक कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों की तरफ। आरबीआई इसी साल जारी करेगा डिजिटल करेंसी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। एक सौ 17 सीटों पर इतिहास रचेगा गठबंधन, पंजाब चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने किया दावा। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटेगी मगही और भोजपुरी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। जम्मू में राहत राशि में वृद्धि के बाद 10 मार्च के बाद दिल्ली में धरना देंगे कश्मीरी पंडित। कर्नाटक के होयसला मंदिर विश्व विरासत की सूची में भारत के नामांकन के तौर पर शामिल। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार, फरवरी माह में भी रहेगा ठंडा, आईएमडी ने किया अलर्ट। आयोग कानूनों की वैधानिकता की चुनौती के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर लगाया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सरकार को भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शर्तों से हटने की नहीं अनुमति। कमेटी ने सालाना हज यात्रा के लिए आवेदन करने की बढ़ाई आखिर तिथि। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पटना, बिहार में नेशनल हाईवे की सभी योजनाओं के लिए बना खास प्लान। विपक्ष पर सरकार का हमला, राहुल बोले कमाई पर ज्यादा नहीं ध्यान दे सरकार, लोगों का दर्द नहीं देख रही सरकार। नेट जीरो के लक्ष्य पर तेजी से होगा अमल, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने छेड़ रखा है अभियान। केजरीवाल ने केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की मांग, दिल्ली के नियमों को भी एलिफेंट। शिरोमणि अकाली दल को झटका, दिल्ली सब प्रदेश अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने दिया इस्तीफा। हिमाचल के स्कूलों में प्रार्थना सभा पर रहेगी रोक, विद्यार्थियों को चार नियमों का करना होगा पालन। बादा में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, अज्ञात हमलावरों ने किया दंपति पर हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में पुलिस ने चलाया अभियान, चुनावी माहौल के बीच एक्शन में यूपी पुलिस, शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया क्या अभियान। देवरिया में भाजपा से पुष्पा देवी को नहीं मिला टिकट, टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोई पुष्पा देवी। फिरोजाबाद में सियासी हलचल हुई तेज, बीएसपी प्रत्याशी शाजिया हसन ने किया नामांकन।
सामवेद पारायण महायज्ञ का हुआ आयोजन, शास्त्री कन्या गुरुकुल में हुआ है कार्यक्रम। कासगंज में सपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 3 विधानसभा से प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। मैनपुरी में एसपी सिंह बघेल ने किया नामांकन, मोदी के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बघेल। सहारनपुर में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, वर्चुअल रैली में एलईडी वैन का हुआ इस्तेमाल। चंदौली में अनियंत्रित बुलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। महाराजगंज में ग्रामीणों ने किया प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, पुल नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। अमेठी में बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, 4 विधानसभा पर प्रत्याशी किए गए घोषित। चुनाव आयोग पर भारी, योगी के मंत्री सुरेश उपासी, राज्य मंत्री सुरेश उपासी ने किया जनसंपर्क। बिजनौर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, कुएं में गिरा, घने कोहरे के बीच कुएं में गिरा प्रेमी। बीएसपी ने 61 प्रत्याशियों की सूची को किया जारी, सलोन से स्वाति सिंह कटेरिया को बनाया गया उम्मीदवार। फतेहपुर में घने कोहरे ने फैलाई अपनी चादर, 10 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी, कोहरे और ठंड ने आम जीवन को किया अस्त व्यस्त। रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे होटल में घुसा, होटल में रखा पूरा सामान हुआ चकनाचूर। मोहित बेनीवाल का बड़ा बयान, जब जेवर की खिड़की खुलती है तो पूरे प्रदेश में कमल खिलते हैं। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने वीडियो किया वायरल, कहा आरोपी है अमन मणि, भाजपा निषाद पार्टी ना दे टिकट। ऑनलाइन के फेर में बर्बाद हो रही 38% बच्चों की पढ़ाई, बोर्ड के सचिव ने जताई नाराजगी। होली से पहले भारतीय रेलवे ने दी बड़ी राहत, कई ट्रेनों में लगाई जाएंगी अतिरिक्त बोगियां। हापुड़ के मुस्लिम बाहुल्य गांवों में ओवैसी की वोटरों को साधने की कोशिश, कहा भाजपा में कई विधायक हुए दागे। कानपुर हादसे पर 6 लोगों को रौंदने वाली ई बस चालक पर हत्या का मुकदमा, शासन ने बनाई जांच समिति। शहर में डंडों से पीट पीट कर कथावाचक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस में लोगों की लापरवाही से फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण, 2 से बढ़कर 19 हुए मरीज।
इलेक्शन को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। लखनऊ में दो व्यापारियों के घर से मिले हैं 38 लाख रुपए। लखनऊ में अवैध निर्माण करने पर के लिए अब सभी के लिए होगी मुश्किल। जीआईएस मैपिंग से नजर रखेगा एलडीए। लखनऊ के मोहनलालगंज में चाचा बना शैतान, अपने 14 माह के भतीजे को पटक कर मार डाला। लखनऊ में विधानसभा सीटों के दावेदारों से मिले अखिलेश, बोले टिकट जिसे भी मिले उसे मिलकर जिताना। लखनऊ में मौर्य अमावस्या पर हजारों की संख्या में घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। ज्वालापुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यालय का किया उद्घाटन, जिले में अपना जनसंपर्क अभियान किया तेज। लालकुआ में चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्रत्याशियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर ने की बैठक। सुल्तानपुर पट्टी में आप प्रत्याशी ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क, सुनीता टमटा के साथ विधायक दिनेश मोहनिया रहे मौजूद। उत्तराखंड में 3 माह के मासूम को छत पर घसीट ले गया बंदर, पानी भरी बाल्टी में डुबोया, दम घुटने से हुई मौत। निशंक की कांग्रेस को चुनौती, दम है तो सामने रखे अपने कार्यकाल का हिसाब, पार्टी को जन्म से बताया झूठा। सीटों पर भाजपा का महाअभियान, विकास नगर के जयराम ठाकुर तो राजपुर सीट से धामी दे रहे हैं प्रचार उधार। हरिद्वार में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एक और मुकदमा, धर्म विशेष पर टिप्पणी करने का लगा आरोप। नड्डा ठाकुर खट्टर समेत भाजपा के स्टार प्रचारक, कुमाऊं से होगी शुरुआत। उत्तराखंड में सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, 2 फरवरी से बारिश और बर्फबारी के आसार। नैनीताल, रानीबाग व पूर्णागिरी रोप वे बनने से बदलेगा उत्तराखंड के पर्यटन का स्वरूप। सड़क हादसे में नैनीताल भाजपा के युवा नेता आशीष कटरियार की मौत, एक साथी भी हुआ घायल। उत्तराखंड में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, कुमाऊं में सीएम और पूर्व सीएम आजमा रहे हैं अपना भाग्य। पूर्व सैनिक ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत 25 लोगों पर उपद्रव व धमकाने का मुकदमा दर्ज करवाया। हरिद्वार में रोडवेज चालक व परिचालक पर बदमाशों ने की फायरिंग। सीएम धामी का पुरोला में रोड शो, ईवीएम पर कमल का बटन दबाने की बताई गजब की टैक्टिक। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर दबाव में आया अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन बोले बिना शर्त सीधी वार्ता करना चाहते हैं।
ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे चीन के 5 मिलिट्री विमान इस साल की 24वीं घटना। पहली बार यूएई लगाएगा कॉर्पोरेट टैक्स 9% की दर से, अगले साल 1 जून से होगी लागू। चीन कर रहा है विदेशी पत्रकारों का उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, हैकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग आदि से किया जा रहा है परेशान। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के योगदान को अमेरिकी संसद के ब्लैक काकस ने सराहा, भारतीय राजदूत संधू ने लिखा पत्र। पाकोट ने नवाज शरीफ को घोषित किया भगोड़ा दिग्गज, मीडिया कारोबारी हुआ बरी। ब्राजील में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, अब तक 19 लोगों की हुई मौत, कई घायल, कई लापता। डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन पार्टियों का आयोजन, नियमों का घोर उल्लंघन, पीएम बोरिस जॉनसन ने मांगी माफी। टेक ऑफ के बाद रडार से गायब हुआ जापान का फाइटर जेट F-15, क्रैश होने की संभावना। सर कैसल तक घुस आए चीनी जासूस, प्रिंस फिलिप के चैरिटी फंक्शन में की घुसपैठ। अब इस पर की जाएगी रिकॉर्ड खरीदारी, किसानों को हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी मॉडल होगा शुरू। रेलवे की बड़ी सौगात, 3 साल में बनाएंगे 400 वंदे मातरम ट्रेन। ₹25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 के दौरान होगा विस्तार। की सबसे बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 14% के बंपर उछाल का ऐलान। किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी, कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। बड़ा ऐलान, सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को देंगे बढ़ावा। बजट में किसानों को तोहफा, मुक्त खेती का मिलेगा बढ़ावा, तिलहन के लिए चलाई जाएंगी योजना। शक्ति योजना से 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, वित्त मंत्री बजट पेश करने के दौरान जानकारी। नाबार्ड के जरिए कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी मदद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये बयान। आम बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को दी जाएगी 2 लाख करोड़ रुपए की मदद। गौतम गंभीर की टीम इंडिया को 2-2, कहा अगला कपिल देव ढूंढना बंद करो। विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा धोनी है उदाहरण, लीडर बनने के लिए कप्तान होना जरूरी नहीं।
राशिद खान ने खुद युद्ध के बीच सीखा क्रिकेट, अब जूनियर क्रिकेट को इंग्लैंड में कराएंगे ट्रेनिंग। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने की मैक्सवेल की तारीफ, लोग बोले आईपीएल 2022 में कप्तान बना दिया। विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ से बाबर आजम की तुलना को मोहम्मद शमी ने बताया गलत। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले 16 फरवरी से होंगे शुरू, 9 वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच। हरभजन सिंह ने किया खुलासा, कहा टीम इंडिया की कप्तानी के लिए लायक था मैं, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया। दर्शकों के बीच होगा भारत वेस्ट इंडीज का मुकाबला, बंगाल सरकार ने 75% दर्शकों की इजाजत दी, कोलकाता में 50,000 लोग देख सकेंगे T20 मैच। रणजी सीरीज के लिए शेड्यूल हुआ है जारी, पहला चरण 16 से 5 मार्च तक 8 शहरों में खेले जा सकते हैं लीग के मैच। विराट के इस्तीफे पर पोंटे का बड़ा दावा, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी जारी रखना चाहते थे कोहली, आईपीएल के दौरान हुई थी बात। शबाना आजमी को हुआ कोरोना, अजीत स्टारर वली मई 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। योद्धा में टेररिस्टों और पाक सैनिकों से होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा की भिड़ंत, फिल्म का आखिरी शेड्यूल एमपी में किया जा रहा है शूट। अमिताभ बच्चन बने नाना, भतीजी नैना ने दिया बेटे को जन्म, पति कुणाल कपूर ने पोस्ट शेयर की फैंस के साथ ही गुड न्यूज। बिग बॉस फिनाले के दूसरे ही दिन तेजस्वी प्रकाश ने शुरू की नागिन 6 की शूटिंग, बोली वीरा और करण का रिलेशन चैलेंजिंग होगा। मिस यूएसए 2019 चेस्ली की हुई मौत, न्यूयॉर्क की 60 मंजिला बिल्डिंग से गिरी। मुनी रॉय और सूरज नामबियार ने फ्रेंड्स के साथ की पूल पार्टी, दुल्हनिया का ससुराल में हुआ गृह प्रवेश। कंगना रनौत ने शेयर की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लेडी लुक की फोटो, कहा सो हॉट। आरआरआर की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, अब 25 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में आएगी फिल्म। अक्षय कुमार स्टार राम सेतु की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट तारण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है जानकारी। कंगना रनौत रियलिटी शो से करेगी ओटीटी डेब्यू, शो को एकता कपूर करेगी प्रोड्यूस। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। क्या
ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।